फाइनली दोस्तों जैसे बता दें को संग्रहालय का अंदर का था और संग्रहालय का बाहर का कुछ नज़ारा इस प्रकार है। पत्थरों जैसे पत्थर रखा गया, इसमें अभी पानी नहीं था, कुछ दिन पहले इसमें पानी भी था। इसमें देखिए अभी वैसे ही रखा गया है। इसमें बहुत सारे मतलब फोटो शूट करने वाला बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है। यहाँ पर देखिए छोटा पार्किंग है, बहुत पत्थर है, इतना बढ़िया पत्थर दिखने में लग रहे हैं भाई साहब कि अमेजिंग। आपको जब भी टाइम मिले तो आप आ जाइए संग्रहालय घूमने के लिए। और संग्रहालय के जो घासें नहीं देखिए, घासें मशीन से काटी जाती है, आपको मशीन भी ये मशीन देख रहे हैं आप, इसी मशीन से संग्रहालय के जितनी बड़ी बड़ी घासें हैं इसको काट के छोटा किया जाता है और देखने में जैसे अमेजिंग मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए छोटा किया जाता है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ छोटे छोटे पौधे और इधर भी आपको कुछ और नज़ारे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। दोस्तों जैसे बता दें कि ये देखिए बीच में है नीम का पेड़ और चारों तरफ से पत्थरों से इसको राउंडिंग कर दिया गया है। और राउंडिंग के साथ साथ ये देखिए बाहर से भी एक छोटा छोटा राउंडिंग बना दिया गया है कि लोग थके होके होंगे ना तो यहाँ पे आकर बैठ कर आराम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और दिखाते हैं हम आपको। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा, पहले दोस्तों हमारे पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा पत्थर का इमारत, और इस पत्थर को देखिए चाइना में लिखा गया है, इसमें हम पढ़ नहीं सकते, नहीं तो पढ़ के बता देते। चाइना में लिखा गया तो चाइना में क्या पढ़ा जाएगा, हमको थोड़ी ना पढ़ा बस पता है कि चाइना में क्या कैसे कार लिखा जाता है पढ़ा जाता है। ठीक है, गजब बेइज्जती है। जैसे कि दोस्तों बता दें कि हमारे जो पीछे दिख रहा है ना ये छोटा सा दिख रहा है ना, जिसके नीचे मैं उतरा हूँ, ये छोटा सा, इसके बीच में देखिए कछुआ बनाया गया। ठीक है, इसके बीच में आपको हम दिखाते हैं कछुआ बनाया गया, और कछुआ बनाया गया है और इसमें पहले ना पानी लगता था, मतलब बहुत ही अमेजिंग देखने में लगता था। जैसे कोरोना है ना, कोरोना काल के बाद से इसमें पानी बंद हो गया लगाना। ठीक है, और ये जो कछुआ दिख रहा है ना मेरे पीछे, ये देख रहे हैं कछुआ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अमेजिंग दिखता था। ठीक है, तो बट दोस्तों बता दें कि मतलब जब भी टाइम मिले ना तो संग्रहालय में आइए घूमने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं यार, देखने में बहुत ही सुंदर, और आपको छोटे छोटे घासों का पहाड़ भी दिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, छोटे छोटे पत्थरों हैं और इधर देखिए छोटे छोटे पत्थर, फिर ये छोटे छोटे पौधे, फिर इधर हमारे बुद्ध भगवान जी हैं, बुद्ध भगवान जी का जो क्या बोलते हैं मूर्ति वूर्ति है रखा गया है थोड़ा बहुत। ठीक है, और ये देखिए बहुत ही अमेजिंग ये छोटे छोटे पत्थर हैं। और यहाँ पे देखिए हम आपको अच्छे से मतलब मेरा फेस आ रहा था तो अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया कछुआ को आपको, तो आपको मैं कछुआ को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो तालाब है ना छोटा सा, उसमें एक कछुआ भी है, और आपको हम दिखाते हैं छोटा छोटा पहाड़ भी। देखिए ये घासों का छोटा सा पहाड़ है, देखिए कितना बड़ा और कितना अमेजिंग और कितना देखने में सुंदर ही। देखिए हम देखिए कैसे चढ़ रहे हैं, वाह वेरी नाइस। ये देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ का लोकेशन देखिए कितना मस्त और कितना देखने में सुंदर। ओ भाई कसम, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं छोटा सा पहाड़ पे, छोटे से पहाड़ पे से आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखिए मेरे पीछे, वो भाई ऑसम कितना सुंदर, मतलब बोला जाए ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार लोकेशन यहाँ का। आपको जब भी टाइम मिले ना तो आए यहाँ पे, और वीडियो को लास्ट तक देखें यार, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। और इधर देखिए इधर ये छोटे छोटे पत्थले हैं पर बहुत ही मस्त हैं भाई साहब। आपको जब भी टाइम मिले ना तो संग्रहालय में आए घूमने जरूर। ठीक है, ये देख रहे हैं पूरा पत्थर है जैसा कि है वैसा कि पत्थर है, बस इसमें पानी सूख गया, पानी रहता तो और देखने में मजा आता, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो छोटा सा बेल आइकन घंटा होता है उसे दबाना मत भूलिएगा क्योंकि कोई वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बात मत कीजिए, वंदे मातरम, टाटा।